जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते, तब तक कोई आप पर विश्वास नहीं करेगा। जैसे ही आप खुद पर विश्वास करना शुरू करोगे, पूरी दुनिया आप पे विश्वास भी करेंगी और आपकी रिस्पेक्ट भी करेंगी। तो इसीलिए आप पहले अपने आप से शुरुआत कीजिए, खुद पर भरोसा रखिए। और अगर कोई आपका आसपास का कह रहा है कि मैं ये कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, तो उस पर भी भरोसा रखिए कि वो कुछ अच्छा करेगा, करेगी, तभी आप भी सफल होंगे और आप एक अच्छे इंसान भी होंगे। तो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, दिस इज दीक्षा, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गर्म पानी पी के, एक्सरसाइज करके हो चुका है, यहाँ पे चाय एंड टिफिन की तैयारी हो रही है। चाय पापा के लिए, मैं तो पीती नहीं हूँ तो इसीलिए मैंने नारियल पानी पिया, देन रेडी हो गई एंड मैं अभी चली आई लैब में। लैब में आते ही अभी जो मुझे पढ़ना है, ज्योग्राफी की 11th की NCERT कंप्लीट करनी है, उसका रिवीजन, तो वही मैं कर रही हूँ। एक बार मैंने मेरे नोट्स पढ़ लिए और अभी एक बार जो भी मैंने अंडरलाइन किया हुआ है वो पढ़ रही हूँ। जैसे फास्ट रिवीजन ही है ये, थोड़ा सा ऊपर ऊपर से देख लेना है बस, वैसे वाला। तो ये एक दो दिन में कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक ही टाइम पे मैं पूरा दो तीन बार रीडिंग कर लेने वाली हूँ, ताकि फिर लास्ट रिवीजन ही सिर्फ एक बाकी बचे, इसलिए मैं इसको दो तीन दिन दे रही हूँ। आफ्टर दिस ज्योग्राफी का, इंडियन एंड वर्ल्ड का पूरा करना है मुझे सेक्शन, तो उसके लिए देखेंगे, एक एक डे उनको देंगे, लेकिन फ़िलहाल तो ज्योग्राफी का NCERT ही चालू है। थैंक यू सो मच एवरीवन वीडियोज़ को इतना प्यार देने के लिए, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड प्लीज़ आप लोग अगर न्यू है इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो। एंड अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो और कुछ भी इससे सीख रहे हो, मोटिवेट हो रहे हो या कुछ भी, तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, बिकॉज़ ये फ्री है आप लोगों के लिए। एंड यस, थैंक यू फॉर गिविंग सो मच लव ऑन माई प्रीवियस वीडियोज़, बहुत अच्छे चल रहे हैं दो तीन भी वीडियो, तो सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। आप लोग जाकर वो वीडियोज़ भी देख सकते हो। सो अभी मेरा फर्स्ट सेशन हो गया एंड मैं चली गई ब्रेकफास्ट करने के लिए। ब्रेकफास्ट में मैंने ये उसल लाई थी एंड यहाँ पे मेरे फ्रेंड ने चूड़ा लाया था, और भी बहुत सारे लोग थे, कुछ लोगों ने चिप्स वगैरह लाया था, तो वो मैंने शूट नहीं किया है। देन नाश्ता होने के बाद हाफ एन आवर गया होगा उसमें, 25 मिनट्स तो गए ही। देन उसके बाद मैं आ गई अगेन अपना स्लॉट करने के लिए, तो ये मेरा सेकंड स्लॉट है दिन का। मैंने पेपर एनालिसिस का व्लॉग डाला है, आप लोगों को अगर देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। एंड यस, कि अभी जो मैं ये व्लॉग बना रही हूँ ये आफ्टर प्री है, प्री होने के बाद के अभी रेगुलर व्लॉग्स स्टार्ट होंगे। तो 21 जुलाई तक मेरी MPSC की प्री है, तो मैं उस पर फोकस कर रही हूँ। एंड आफ्टर दैट हम लोग देखेंगे कि मेंस का क्या करना है, मतलब UPSC के मेंस में तो शायद ही हो पाएगा या फिर नहीं भी होगा, आई डोंट नो। बट MPSC के लिए मैं बहुत ज़्यादा तैयारी कर रही हूँ, तो होपफुली वो हो जाना चाहिए। देन ये वाला सेशन होने के बाद मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, उसके बाद मैं घर पे चली गई। एंड ये है, अभी घर में मैं पढ़ रही हूँ तो वो नाइट सेशन है, तो ये वाला एक सेशन किया मैंने। इसमें भी मेरे अभी 2 units कंप्लीट हो चुके हैं, 2 units इन द सेंस, इसमें भी चैप्टर्स होते हैं, तो ऐसे 4 chapters मेरे पूरे रिवाइज करके कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बीच में मैं घर पे आई, घर पे आके डिनर किया, डिनर के बाद थोड़ा सा टाइम पास किया, और ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही 15 मिनट में डिनर और 15-20 मिनट टाइम पास, बस उतना ही। फिर मैं 9:30 को अप्रॉक्सीमेटली बैठ गई थी पढ़ने के लिए, तो ये 9:30 से मैंने स्लॉट किया है 2 घंटे का, 9:30 to 11:30, और इसमें मैंने सोचा था कि एटलीस्ट थर्ड यूनिट स्टार्ट हो जाना चाहिए, बट थर्ड यूनिट स्टार्ट नहीं हुआ। एंड अभी मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी मैं सो जाऊँ, अगर मैं जागूँगी तो सुबह जल्दी नहीं उठ पाऊँगी। वॉइस ओवर मैं सुबह सुबह कर रही हूँ, फिर भी ऐसे चिड़ियों का और आजू बाजू में जो लोग काम कर रहे हैं वो आवाज़ आता ही है। मैंने बहुत ट्राई किया है फ़ैन ऑफ करके, सब कुछ करके, लेकिन थोड़ा सा आवाज़ आता ही है, सो सॉरी फॉर दैट।
सेकेंड यूनिट कंप्लीट हो चुका है हमारा, अभी हम लोग कल करेंगे थर्ड यूनिट। एंड बहुत नींद आ रही है अभी मुझे, मैं आप लोग को दिखाती हूँ थर्ड कहाँ तक कंप्लीट हुआ है। वेट, दिस इज फोर्थ यूनिट। नो, क्लाइमेट का तो हो गया है, क्लाइमेट ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ये मेरा रिवाइज भी करके हो गया है। इन डिटेल मुझे सिर्फ अभी ये वाला थर्ड यूनिट करना है, रॉक मिनरल्स, ये भी पहले किया हुआ है, इसको भी रिवाइज ही करना है। लैंडफॉर्म्स एंड देयर इवोल्यूशंस, तो ये थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, मतलब ये बड़ा यूनिट है, इसमें ये वाले चैप्टर्स हैं, तो ये करना है। एंड फिर कल थर्ड एंड फोर्थ यूनिट कर लेंगे हम लोग, देन बस इतना ही करना है, बाकी का तो मैं फिर बाद में रिवाइज करूँगी। अभी मेरा ऐसा है कि बस ये हो जाए, ये हो गया तो मेरा हाफ पोर्शन हो जाएगा ज्योग्राफी का, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये कल हो जाएगा। इसका तो हुआ हुआ है, इसको सिर्फ नोट्स में से रीड कर लेना है। ये हाफ एन आर का या वन आर का काम है, ये वाटर वाला भी ओके, ये भी नोट्स है मेरे पास इसके भी। एंड लाइफ ऑन अर्थ, इसकी तो अभी इसमें ज़रूरत नहीं है, ज्योग्राफी में ज़रूरत नहीं, ये मैं एनवायरमेंट से कंप्लीट कर लूँगी, ईवीएस से। तो यस, कल हो जाएगा हमारा ज्योग्राफी कंप्लीट। सो लेट्स गेट स्लीप नाउ, मैं टाइम दिखा देती हूँ एक बार आप लोगों को, 11:30 बजे है अभी, एंड अभी मैं सोती हूँ और सुबह जल्दी उठना है फिर। ये आज मेरी फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट किया है, भाग्यश्री ने, सो थैंक यू सो मच फॉर दिस भाग्य। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, स्प्रेड हैप्पीनेस एंड लव, बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट, बाय बाय।